मेरे YouTube चैनल कलकत्ता में नजर सुने आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो महान ब्रिज यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ आज मैं खड़ा तो हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में बताने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे पहला कुछ आगे का एपिसोड में आपने आपको भी दिखा चुका हूँ ब्रिज के बारे में। आज इसी ब्रिज से होते हुए कनेक्टिंग इस ब्रिज के नीचे एक और दुनिया है, फूलों की नगरी है। जी हाँ, कलकत्ता का एक बहुत बड़ा मार्केट है फूलों का मार्केट, जिसे कहते हैं मल्ली घाट फ्लावर मार्केट या यूँ कह लीजिए फूल घाट। मैं आज उसी को कवर करने आया हूँ, चलिए आप सबको ले चलता हूँ फूलों का वो मार्केट जो मशहूर मार्केट है कलकत्ता का और जो बसा है ठीक हावड़ा ब्रिज के नीचे। ये देखिए, ये मैं उतर रहा हूँ मार्केट की तरफ। जी हाँ, होलसेल में जो फूल का मार्केट है, फूलों का मार्केट है, वो यही मार्केट है जहाँ मैं आज आप सबको ले चलता हूँ। तो आइए फूलों की नगरी में मेरे साथ रहिए। वाह वाह वाह, क्या दृश्य है, चलिए आप लोग मेरे साथ रहिए। ये मैं उतर सीढ़ी से, ये अंदर मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, अंदर ये मार्केट है होलसेल मार्केट, ये सारा का सारा होलसेल मार्केट ही है। यहाँ जो डेकोरेशन के जो है शादी ब्याह बर्थडे पार्टी से जो भी बनते हैं, ये दादा इनका फर्स्ट शॉप है। ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ से ही मैं थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं एक्चुअली वहाँ जाऊँगा कवर करने। ये देखिए इस तरह का बनता है बर्थडे पार्टी का सामान और ये सब सामान वगैरह वगैरह, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह में काम में आता है और डेकोरेशन का काम में आता है पार्टीज वगैरह में। तो ये लंबी सी गली है, वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा पथ लेता हूँ इस तरह में। आइए, ये जो है लोकल फ्लावर मार्केट और बहुत ही चीप में आपको सीजनल फ्लावर्स मिलते हैं। तो यहीं से लोग बाग जो है सेलर्स जो है छोटे बड़े व्यापारी लेके जाते हैं कलकत्ता शहर में, और यहीं से फूल थोड़ा अपना ऊंचा दाम लगा के लोग बेचते हैं जो हम लोग और आप लोग खरीदते हैं। तो जो ब्रिज मैंने आपको बताया था वो जो हावड़ा ब्रिज है, इसके नीचे ठीक टनल है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए फूलों का मार्केट, ये कुछ माला इन्होंने रखा है, कुछ बंच फ्लावर सब सारे सस्ता में मिलेगा। ये आम पत्र है, वो बेल पत्र है, यहाँ ऐसा कि ये देखिए लूज फ्लावर भी है जिससे जो पार्टी कहते हैं ये भाई लोग बेचते हैं। ये सब आते हैं किलो के दर में और यही छोटे मोटे व्यापारी लेके जाते हैं कलकत्ता शहर में और बेचते हैं अपने हिसाब से। अभी भी आपको हावड़ा ब्रिज दिख रहा होगा मेरे ठीक पीछे, मैंने जैसे बताया आपको हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे बसा है ये फूलों का नगर। ये लोग दूर दराज गाँव से आते हैं और यहाँ सुबह करके आ जाते हैं, दोपहर में भी एक बार आते हैं और शाम के बाद अगर 6:30 के बाद जो बचा बिक गया बिक गया, अगर नहीं बचा यहाँ पे फेंक के वो चले जाते हैं। जी रोज़ का पैसा कैंड यही है, हर रोज़ यही चाहता है। उनके पास कुछ डेली फूल आए हैं, डेली फूल माला ये रहे कस्टमर। इस टनल के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा टनल के बाहर से आया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ये जो आप लोग देख रहे हैं बेलपत्र बेच रहे हैं ना, इनमें तो एक सिस्टम है, जो भी महिलाएँ बेलपत्र बेचेंगी या तुलसी पत्र वगैरह जो भी है वो बेलपत्र या तुलसी पत्र ही बेचेंगे, फूल नहीं। और जो भाई साहब फूल बेच रहे हैं माला जिसको बोलते हैं, ये बेच रहे हैं, ये पत्र वगैरह नहीं बेचे, ये माला ही बेचे, वेदर इट्स लूज फ्लावर्स और बना हुआ जो है माला इस तरह बेचेंगे। ये जो पैकेट आप देख रहे हैं इसमें एक यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इसको जबा बोलते हैं, हाँ जबा फूल, वो छोटी छोटी कलियाँ उसमें है फूलों की, इसको आप घर ले जाके अपने हिसाब से बना सकते हैं माला, ठीक है, वो पैकेट में दिख रहा है। दूसरा ये देखिए, इन्होंने ऑलरेडी रेडीमेड बना रखा है, ये देखिए इस फ्लावर की बात नहीं कर रहा था, जबा फूल जो पैकेट में आपने देखा ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये माँ काली को बहुत चढ़ाया जाता है। ये है फूलों की नगरी, फूलों का ये मार्केट, जो मार्केट में स्टार्टिंग में शुरू दिखाया था आपको कि वहाँ मैं अंदर नहीं जाऊँगा, ये शादी के सीज़न में ज़्यादा चलता है इस टाइप का मार्केट। अरे वाह, बेली फूल का तो बाहर है भाई समर टाइम में, ये देखिए ये है बेली फूल का, जो पैकेट में थोड़ी देर पहले आपको बताया था वही है जगह फूल जो आप घर में ले जाके बना सकते हैं, बाकी तो बना बनाया है ही यहाँ पर। यहाँ पर देखिए इधर वही है जगह फूल, और ये जो सामान जो आपको दिखाया जा रहा है जैसे ये जा रहा कार्ट, यही से कनेक्टिंग बड़ा बाजार है कलकत्ता का बहुत मशहूर, तो वहाँ से सामान लेके वो जो अभी गया ठेला में आपको दिखाया वैन में, वैसे फूल भी जाते हैं और बहुत सारा सामान वो यूटेंशल्स खाना पकाने का सामान लेके गया, यही कनेक्टिंग रोड है, नैरो वेरी कंजेस्टेड, कंजेशन अभी थोड़ा और बढ़ेगा, धूप थोड़ा कम होगा ना कंजेशन और बढ़ेगा।
तो अभी ऐसा है, थोड़ा कम भीड़ है और ये आइस पैकेट बन रहे हैं, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो जो लोग फुल जिनका रह जाता है ना, मे बी कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे लोग करेंगे, उस हिसाब से फुल को ताज़ा रखने के लिए बर्फ़ की जरूरत पड़ती है। अरे बाबू बहुत बिजी है, बहुत नैरो एरिया उसके लिए ही, ये देखिए तेज चलती गाड़ी है और ये एक बस का रूट भी है, मजे की बात तो एक बस भी जाती है, मिनी बस ऐसे। ये रहे कुछ कमल, कमल थोड़ा महंगा आता है क्योंकि इस सीजन में अभी शायद नहीं है और बहुत कम भी आता है। ये कुछ गुलाब और गेंदा रजनी का माला तो है ही है, सदाबहार ऑल टाइम हिट। ये हल्का फुल्के भीड़ इस टाइम तक है, इसके बाद थोड़ा सन जैसे डाउन होगा, थोड़ा जैसे धीमा होगा सूरज, भीड़ बढ़ेगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये रहे बेली फूलों का और वो रजनी का माला, बड़ा खुशबूदार जगह भाई, क्या खुशबू है बेली फूल का और रजनी का गंदा का माला का। ये रहे उसी मार्केट का एक दूसरा गेट ये भी है जो पहले मैंने दिखाया था, ये देखिए सीधा इट विल कनेक्टेड टू द गंजस एकदम स्ट्रेट गंगाधार। ये छोटा सा होटल भी है यहाँ पे, ये कभी भी आपको बल्क में फूल लेना हो, आपका कोई कार्यक्रम हो घर पे, जरूरत पड़े आपको बल्क में बहुत सारे फूल की ज़रूरत हो, तो आप कष्ट करके अगर इस तरफ आ पाए हावड़ा ब्रिज के यहाँ पे, जैसे मल्ली घाट फूल मार्केट कहते हैं, इधर बहुत सस्ता में और बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स कम दाम में, आपका बजट जो है उससे भी कम दाम में आपको मिलेगा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, जिसको लेके आप अच्छा बहुत अच्छी तरह से सजावट कर सकते हैं। ओपन मार्केट से नहीं लेके आप थोड़ा कस करके अगर आप इस तरफ आ पाए तो ये लोग भेजते हैं पॉली बैग, जैसे कि अगर मैंने एक बंडल फूल खरीदा इनसे तो ये मुझे बैग नहीं देंगे, उसको वहाँ से एक बैग खरीदना पड़ेगा लेके, देन ही विल गिव मी द दिस, ये फूल तब उसमें जाएगा बैग ऐसा। तो हाँ, मेरा ये वीडियो टेल एंड की तरफ आ चुका है क्योंकि वही सारे फ्लावर्स है, देखिए किलो में जा रहा है, ये लूज फ्लावर्स किलो में बिकते हैं और माला पीस हिसाब से, आई मीन 6 या 12 का पीस बनाया गया है, उस हिसाब से लोग दाम दर करते हैं आपको। ये देखिए वैन रिक्शा अगेन, दे कैरिंग सम फूड आइटम का यूटेंसिल्स, यहाँ कुछ लोटस ब्लूमिंग लोटस रखा हुआ है। हाँ, तो मेरा ये वीडियो अब टेल एंड की तरफ आ चुका है, एक छोटी सी ब्रिज है उसको मैं वहाँ पे जाके ख़त्म करूँगा और उस ब्रिज से वो ब्रिज मुझको कनेक्ट करेगा टूवर्ड्स माई सिटी कलकत्ता। तो आशा है कि मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो ऑन द स्पॉट मार्केट, बहुत हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा था, समय अभाव के कारण कर नहीं पाया था, आज मैंने उसको कंप्लीट किया अपने हिसाब से। हाँ, तो हाँ इसको देखिए एंड तक देखिए, इसका लाभ उठाइए और हाँ मेरे चैनल को कलकत्ता मेरी नज़र से, जो मेरा चैनल है यूट्यूब में, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, मैं आपसे आप सबसे हमेशा कहता हूँ यही रिक्वेस्ट है, यही कहते हुए ये आ गया आयरन ब्रिज लोहा ब्रिज आ गया है, मैं इस ब्रिज को क्रॉस करके कलकत्ता की तरफ जा रहा हूँ और अपना ये वीडियो और मल्लिक घाट फूल मार्केट यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैंने भाई फिर समय निकाल के किसी अच्छे लोकेशन के पास में जाऊँगा और फिर से आपको एक वीडियो पेश करेंगे, तब तक के लिए मैं दर्शन आप सबसे आगे लेता हूँ।